नमः शिवाय। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष सोमवार अष्टमी तिथि दिन भर शाम 5:50 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा मूल नक्षत्र में पूरे दिन और रात्रि चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी केतु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, धन और ऐश्वर्य से युक्त, स्थिर चित्र वाले, स्थिर कार्य करने वाले और शत्रुओं पर विजय पाने वाले होते हैं। ऐसे जातक ईमानदार, मिलनसार, सलाहकार, दूसरों को सम्मान देने की प्रवृत्ति रखने वाले, नेतृत्व करने की प्रबल क्षमता वाले, अनुशासन प्रिय, कानून और नियम का पालन करने वाले और सामाजिक कार्यों में संलग्न रहने वाले होते हैं। ऐसे जातक रीति रिवाज को मानने वाले, यात्रा प्रिय, मानसिकता के और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बृहस्पति और केतु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज चंद्रमा की युति धनु राशि में शनि के साथ 2.5 दिनों तक बनी रहेगी, जिससे मानसिक उत्साह में कमी, उदासीपन की प्रवृत्ति का हावी होना, कार्य क्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता में कमी आएगी, हर काम के प्रति सार्थक पहल करने में थोड़ा सा मानसिक विलंब हो सकता है, साथ ही अनावश्यक व्यग्रता और व्यर्थ के भ्रमण की स्थिति भी संभावित है। ऐसी स्थिति में मनोबल का कम होना और व्यावसायिक गतिविधियों में स्वाभाविक रूप से देरी का अंदेशा बनता है। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति बनी रहेगी और मन मुताबिक काम हो सकता है। व्यावसायिक योजनाओं का विकास होगा और उससे संबंधित मामलों में सहयोग भी मिलता रहेगा। सरकारी कामकाज में भी लाभ संभव है और नई कार्य योजनाओं की पृष्ठभूमि तैयार होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, प्रबल उत्साह और कार्य ऊर्जा बनी रहेगी, मगर मानसिक दबाव, माता के स्वास्थ्य की चिंता, मधुर संबंधों में कमी और पैर के घुटनों में तकलीफ संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। शनि चंद्रमा की युति 8वें घर में धैर्य, संयम और स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता का संकेत देता है। दृढ़ निश्चय और कार्य ऊर्जा मानसिक स्तर पर प्रभावित होगी। निजी संबंधों में तनाव और अनचाही यात्रा का योग भी बनता है। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। आजीविका से संबंधित कार्यों में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, मगर आप अपने बुद्धि कौशल से परिस्थितियों को अनुकूल करने में सक्षम रहेंगे। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में निरंतरता बनी रहेगी, मगर हर काम में प्रयास अधिक करना पड़ेगा। सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी, मगर उत्साह प्रभावित रहेगा। साझेदारी के लाभदायक प्रस्ताव सामने आएंगे, मगर कुछ काम संपन्न होने में देरी हो सकती है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में शनि के साथ चलते रहेंगे। मानसिक दबाव और उत्साहहीनता संभावित है। फिर भी आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, मगर आपसी संबंध प्रभावित होंगे। कमर में जकड़न और पेट संबंधी दिक्कतें संभावित हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की प्रेरणा बनी रहेगी। उत्साह और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। नए प्रस्ताव और नई कार्य योजनाओं में लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति अनुकूल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। पाचन तंत्र और पेट के निचले हिस्से में जटिलताएं संभावित हैं। साझेदारी के कामों में लाभ होगा और कुछ कामों में नकारात्मक विचारधारा, उत्साह की कमी और विषाद की स्थिति भी संभावित है। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विस्तार की मानसिकता बनी रहेगी और निरंतरता बनाए रखने में सकारात्मक प्रेरणा जारी रहेगी। काम करने के प्रति दृढ़ विश्वास और सकारात्मक उत्साह कायम रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, मगर शनि चंद्रमा की युति पहल करने की प्रवृत्ति को प्रभावित करेगी। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। कमर और पेट संबंधी सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और सहयोग जारी रहेगा। न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामले के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे।
कन्या राशि के जातकों के भाग्यवश काम अच्छे होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। निजी संबंधों में तनाव, मां के स्वास्थ्य की चिंता, मानसिक भ्रम व निर्णय लेने में असंतुष्टि का संकेत भी मिलता है, मगर आप अपने पेश आने के तरीके और वाणी की मधुरता से मामले को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। नई कार्य योजनाओं और निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत के अनुरूप सफलता हासिल होगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रयासों का दौर जारी रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक प्रेरणा से लाभ संभव है। नई कार्य योजनाओं में सरकारी विभाग और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहेंगे, मगर कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति और मानसिक चिंता भी संभावित है और कुछ कामों में व्यावसायिक विवाद और धन हानि भी संभव है, मगर साझेदारी लाभदायक रहेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। शनि चंद्रमा की युति दूसरे भाव में बनी हुई है। परिस्थितियों के अनुसार मानसिकता में सुधार और वाणी में मधुरता कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने का काम कर सकती है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। साझेदारी लाभदायक रहेगी और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में खर्च हो सकता है, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत भी मिलता है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर संतान संबंधी चिंता और कुछ कामों में अनावश्यक बाधा भी संभावित है। धनु राशि के जातकों को आर्थिक लाभ और कार्य क्षेत्र से संबंधित उचित दिशा निर्देश की प्रेरणा मिलती रहेगी। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर त्वरित भावावेश में आने की मानसिकता भी संभावित है। वाणी की मृदुलता के साथ अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। नवीन कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और प्रतियोगी भावना बनी रहेगी। यात्रा संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी के साथ साथ वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें। मकर राशि के जातकों के लिए कार्य संबंधी भागदौड़, अनावश्यक यात्रा और अनावश्यक खर्च से संबंधी मामले संभावित हैं। चंद्रमा के केतु के नक्षत्र में होने और शनि की युति कार्य क्षेत्र में कमी, मानसिक दबाव और नेतृत्व करने की क्षमता प्रभावित होगी। हालांकि आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, मगर पारिवारिक तालमेल में कमी संभव है। निजी निवेश और साझेदारी के कामों के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा, मगर विभागीय कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। वाहन सावधानी से चलाएं और चिकित्सकीय दिशा निर्देश का पालन करते रहें। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में अभ्यास जारी रखें। सफलता मिल सकती है। कुंभ राशि के जातकों के रुके हुए कामों में गति आएगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे, मगर आर्थिक लाभ की स्थिति में थोड़ी देरी या रुकावट संभावित है। हालांकि आपके प्रयास करने की क्षमता और बुद्धि कौशल का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से जारी रहेगा। प्रतियोगी भावना विकसित होगी। कार्य क्षेत्र की अनुकूलता बनी रहेगी और नए प्रस्ताव के लिए सहयोग मिलता रहेगा, मगर अनावश्यक विवाद संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक मामलों में सहयोग, आर्थिक पक्ष में मजबूती और रुके हुए काम के संपन्न कराने का संकेत मिलता है, मगर शनि चंद्रमा की युति से कामों में अवरोध और उत्साहहीनता की स्थिति संभावित है। संबंधित मामलों में अनावश्यक खर्च और यात्रा की संभावना भी बनती है। फिर भी आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। मन में नकारात्मक भाव ना आने दें और आत्मविश्वास को बनाए रखें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।